डिमरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी आम का अचार। आम का अचार बनाने के लिए मैंने 1 किलो आम लिए हुए हैं। इनको मैंने पानी से अच्छे से धो के साफ करके रखा हुआ है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। आप अपने पसंद के हिसाब से इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक बाउल लिया हुआ है, इसमें डाल देंगे आम। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जो है नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे जो है 4-5 घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे। इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब निकल जाएगा। ये इसमें से पूरा पानी निकल गया है। अब इसके लिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा बिछाया हुआ है। इसमें हम 1 एकड़ के आम को इसमें 5-6 घंटे के लिए सुखाने के लिए धूप में रख देंगे। अब ये अच्छे से सूख गए हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल के रखा हुआ है, ये पूरे ड्राई हो गए हैं। अचार का मसाला बनाने के लिए चाहिए कलौंजी। कलौंजी ली हुई है मैंने, राई, सौंफ, मेथी, ये सब मैंने 50-50 ग्राम लिए हुए हैं। नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची, और सबसे पहले हम मेथी को मीडियम आंच पे भून लेंगे। मेथी क्यों हार्ड रहती है इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें डाल देंगे सौंफ, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करना है। अभी ये अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको भी निकाल देंगे। राई को भूनने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, 15-20 सेकंड में ये भुन जाती है। ये भी तैयार हो गई है। इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया हुआ 1/2 लीटर, जो मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है। अचार बनाने के लिए सरसों का तेल ही चाहिए, इससे उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले मैंने सारे भून लिए हैं और इसमें डाल देंगे कलौंजी जो भुनी हुई नहीं है। इसके लिए मसाले मैंने पीस के रखे हैं, ना तो ज़्यादा बारीक चाहिए ना ज़्यादा मोटे, मीडियम साइज़ के बना रखे हैं मैंने, आप इन्हें देख सकते हैं। एक प्लेट में मैंने आम को रखा हुआ है। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे। मसाले जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और कलर के लिए मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाली हुई है, ये है तीखी वाली लाल मिर्ची, जो अचार में जो है तीखा चाहिए। नमक मैंने पहले भी डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे कलौंजी, ये तेल गरम करके रखा हुआ है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस अचार को आप बंद डिब्बे में रख सकते हैं जिसमें हवा ना लगे, तो जो है आप 1 महीने तक धूप में रख सकते हैं, उससे जो है अचार अच्छा पकेगा। और जब भी इसको चेक करें, पानी का हाथ बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पूरा अचार ख़राब हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हमारा अचार बनके तैयार हो गया, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें।